टांगना नहीं चाह रही थी, बट अर्मिश ने खोल दिया है तो मैंने कहा चलो टांग के दिखा देती। ये देखें, ये स्कूल बस है बच्चों के टॉयज वगैरह रखने के लिए। अभी इसके अलावा एक ये टिफिन बॉक्स है, तो स्टैंड ब्रेक में हुआ तो देखें आगे इसमें रबड़ लगी हुई है। ये वाला है जिसमें चादर लटकाते हैं आप, नॉन स्टिक फ्राई पैन ऐसे, तो ऐसे यहाँ पर टांग के इसको बंद कर दो आप ऐसे। मैंने और सामान भी रखना है, अभी नहीं रख रही, मैंने कहा बाद में रखती हूँ, और भी काम कर लो। अभी शू वाला बॉक्स भी लग गया है, साबुनदानी वाला तो लगा हुआ था। ये देखिए मैं सब तेल लगाती जा रही हूँ साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग, हालात चेक करें मेरे जरा। अभी मैं जो है नाश्ता बनाने लगी हूँ। देखें जी, मैंने तीन पराठे बेल के रखे हैं, तस्वीर कर बना रही है। वैसे तो बहुत खर्ची लग गई है ज़्यादा, कि स्कूल में स्टॉल्स वगैरह लगेंगे तो वहाँ से खाऊंगी, तो कह रही थी मम्मा खर्ची मत दें, आपने आना ही जो है तो मैं आपके साथ खा लूँगी। तो मैंने कहा नहीं आप ले जाओ, क्या पता मुझे लेट हो जाए। यहाँ पे बन रखी मैंने चाय, पहले मैंने कहा चाय बन जाए फिर उसके बाद जो है तब तक पराठे बेल जाएंगे, तीनों पराठे बेल कर रखूंगी ना, तब तक चाय में उबाला जाएगा, फिर तवा रख के हॉट प्लेट के ऊपर ही रोटी बना लेंगे। सिलेंडर का मसला ये हुआ है कि सिलेंडर की रबड़ हिल गई है, यहाँ वहाँ रखते हुए ना पेंट वालों ने यहाँ से वहाँ वहाँ से उठा उठा के रखा, तो उसकी सारी रबड़ हिल गई है। अब शुक्र है कि चूल्हा 2-in-1 था, इलेक्ट्रिक प्लस गैस, तो हॉट प्लेट पर निज़ाम चल रहा है, वरना हम बैठे रहते हैं। एक पराठा बन गया है वकास, मैंने कहा मेरा ऑमलेट खाने का दिल कर रहा है, जैसे हमने वहाँ खाया था वकास, वैसे ऑमलेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। टमाटर नहीं है बस, है ना, उसमें टमाटर भी था, टमाटर नहीं पड़े वहाँ, मेरा पराठा बन रहा है, बनाऊँ जल्दी से जाके। क्या बात, क्या बात है, क्या बात है, शेफ वकास का अंडा, शेफ वकास शेफ बन गया देखा। हाँ जी, इतने मजे का ऑमलेट बनाया लिटरली माशाल्लाह से, और मुझे इंतहा पसंद आया ऑमलेट। अब बस मैं चाय गर्म हो ना हॉट प्लेट पे, मैं चाय डालती हूँ, कभी बुला जब हाथ भी उठ गए, उनको मैंने रात को नहलाई, कपड़े शपड़े चेंज कर मार दिए, तो खास भी रात को नहा ली है, मैं ही गंदी मंदी फेर रही हूँ। अभी तो मैंने कुछ चीज़ें मंगवाई थी आईडियलेंसी से, आप लोगों को दिखा देती हूँ। मेरा जो चावल वाला बॉक्स था ना, तो उसके अंदर वकास से चीनी डाली हुई है, तो चावल जो है वो अभी थैले में, और आपने काफ़ी वीडियोज़ में देखा होगा मैं थैले से निकाल कर जो है वो चावल बनाती हूँ, उसका कोई बॉक्स नहीं था, तो वो इस बॉक्स में चावल वाला डब्बा आया था, वो मैं दिखाती हूँ आपको। और इसके अलावा थोड़ी बहुत और चीज़ें हैं, वो सारी दिखाऊँगी आपको। ये जो चावल वाला बॉक्स है, इनकी जो है ना वीडियो मैंने इंट्रोज में लगा दी है सारी की सारी, कि ये वाली चीज़ ऐसे, ये वाली चीज़ ऐसे। मैं इनको साफ़ करती हूँ, डस्ट डस्ट हो गई है घर में, ये पार्सल भी ना इसको 10 दिन हो चुके हैं आई थिंक आए हुए, और मैंने अभी तक नई चीज़ें लगाई, क्योंकि पेंट वाले थे नीचे वाले पोर्शन में, वो करे थे अभी आप नीचे वाले पोर्शन में ना आए, तो फिर इसलिए हमने देखा नहीं, बच्चे आते थे और हाथ मल देते थे दीवारों के ऊपर, तो बोल रहे थे बच्चे गंदा कर रहे हैं। अभी उन्होंने आके ना फाइनल वो नहीं की है, उन्होंने कहा कि जब सारे घर का काम खत्म हो जाएगा फिर हम फाइनल बाद में करेंगे, क्योंकि बच्चे बार बार हाथ लगा रहे हैं, तो बच्चों को हम कहीं लेके जाएंगे तब जाके इसकी फाइनल वो होगी। तो खैर, ये बहुत ही प्यारा सा चावल वाला बॉक्स है, मैं वकास को बुलाती हूँ ना कि साथ में वो हेल्प करवाएं इसको लगाने के लिए, इसमें चावल वावल डालवाती हूँ। इसके अंदर एक डब्बा था इसका छोटा सा, जिसको आप प्रेस करते हो यहाँ से इसे, तो उसमें चावल निकल आते हैं। ये देखें जी, वकास लगा रहे हैं इसका टिश्यू वाला बॉक्स, वो वाला ये हमने, ये वाली जो चीज़ें ना जो यहाँ लगी हुई हैं, ये जो साबुनदानी है, ये भी वही जो दीवार में चिपकती है, तो ये तो अच्छे से चिपकी हुई है, काफ़ी टाइम हो गया, उतरी भी नहीं है। पर जो मैंने वो स्टैंड मंगवाया था ना, वो नीचे पकड़ा था, पता नहीं मैंने गीली जगह पे लगा दिया था क्या मसला था। हाँ यही जगह सिदाई देख लें, टूटी के ऊपर लगानी है सिदाई, बिल्कुल ड्राई कर लिया जैसे जगह अपनी तरफ से तो कर लिया, देखो सिदाई तुम देखो इस तरफ कैसे, इस तरफ होगा, इस तरफ करें बस, ये लगा दो नीचे, थोड़ा लग रहा है बस, अभी लगानी है इस दुकान में। टिशू किधर है, टिशू कहाँ पड़े हैं, देखना। अच्छा वकास ने, जो साबुन वाला ना वो भी वकास ने लगाया था, बहुत अच्छे से वो अभी तक नहीं हटा, ऐसे जो कहा तो फिर नहीं है, तो फिर गैप्स होते हैं इसका खत्म हो जाए, ये जैसे प्रोटेक्टर नहीं हम लोग आते हैं मोबाइल का, उसके अंदर होगा सारी गम, अगर स्पेस होगा इस तरीके से तो पानी जाएगा, है ना। हाँ अब देखो बिल्कुल वाइट हो गया, हाँ अब भी हटेगा ये कहीं में, चलिए आप ही फिक्स करें, मैं टिश्यू लेके आती हूँ। ओके, टिश्यू वगैरह से लगा दिया उसके अंदर। अच्छा वगैरह इस पर दोनों टिश्यू लग सकते हैं, है ना, ये देखो। हाँ ये वाला भी, और ये वाला डाला है अभी, और ये साइज इसका ठीक है, ये यूं आ गया, ये वॉशरूम के हिसाब से साइज, ये जब तक ये फुल व्हाइट नहीं होता तब तक चुपाना, इसको इसको इस तरह करके अच्छे से करके ना व्हाइट हो जाएगी, उसके बाद इसको यूं लगवा लो, यूं आपको भी चल लटक, अगर किसी साइड से तुम्हें नीचा ऊंचा लग रहा है तो ये साइड ऊपर निकल आएगी, नीचे हो जाएगी, ठीक है बैलेंस कर लो। अभी हमने तो खैर अच्छे खासा बैलेंस करके लगाया, और ये देखो अभी यहाँ पे आप मोबाइल में, यहाँ पे आप मोबाइल रख सकते हैं कहीं भी, और इसके अंदर पानी भी नहीं जाता, हम नहाओ और ऐसा टिश्यू निकाल के, ये देखो दूसरा साथ ही निकल आएगा, वाह
चले आप बहुत अरसे से बोल रहे थे मुझे, बहुत अरसे आपके कह रहे थे टिश्यू वाला मंगवाओ किसी पे, टिश्यू वाला मंगवाओ किसी पे ना, इसको साफ करना इजी होता है। हाँ ना, क्योंकि इंग्लिश जो कमोड है ना, इसको टिश्यू निकालना इसे साफ किया, बैठते उलझन होती है ना। चलो घर का है बेशक, फिर भी कोई गेस्ट वगैरह आता है तो उसको उलझन होती है, तो इसे साफ करके अंदर से साफ करके फिर बैठो इसके ऊपर। अभी क्या लगाना है, साबुन वाला तो लगाओ है। हाँ ये फुट मैट बिछाए, मुझे देते हैं कचरा, ये बहुत प्यारा है, ये काफी फेवरेट कलर मंगवाया था मैंने, पसंद आया। और ये बताए कौन सा वाला है, आप गीले पैर ला के रखोगे ना इसके ऊपर, फौरन से अब्सॉर्ब हो जाएगा। अच्छा, हाँ। अब चलाएगा जल्दी से, इन अलमारियों के डोर लगे ये वाली जगह संभल ही जाए। अब इसके शेल्फ बनने हैं ना अलमारी के, इस तरफ के शेल्फ बनने हैं, बस हमें कुछ फ्रॉड लोग टकर जाते हैं। ये ओ वाह, मेरा पसंदीदा लफ्ज लिखा, देखो रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अच्छा उल्टा बिछाने लगे हो ऐसे, देखो अभी मैं गीले पैर छापूंगी ना, भी आप देखना ही देखना। खराब नहीं होता, फर वाला नहीं लिया हमने इस दफा, ये वाला लिया, ये बेस्ट है, झाड़ू मारो साफ सुथरा हो जाता है। ये देखिए पानी का है, फूल के आगे भी ऐसा रख लेंगे, कोई फूल के आगे भी सारा ऐसा रख लेंगे। दूसरी अलमारी मैंने मंगवाई है वॉल हंग, मतलब ये भी वही है, और ये कॉर्नर वाली है, वो जो दूसरी वाली थी ना वो यहाँ अच्छी नहीं लग रही थी, ये जो कॉर्नर वाली है ज्यादा अच्छी लग रही है। ट्राई कर लिया मैंने, पहले स्टिकर लगाएंगे फिर ये, यहाँ बिल्कुल। हाँ हाँ इसे चलो ये उतारते हैं, नहीं ऐसे नहीं लगाए, इसको उतार के लगाना है, इसको उतार देंगे ना वापस, एक बार परफेक्ट लगवा लो ना। ड्राई कर लिया बिल्कुल, हाँ ड्राई कर लिया, ये पहले बंदा काम नहीं है, बिल्कुल बस लाइन के साथ साथ लगाना। ये देखो ना अभी ये नहीं होता, क्योंकि ये साबुन वाला मकान से लगाया है और इसको कितना टाइम हो गया है, बहुत टाइम हो गया उसको लगे, और ये गिरता नहीं अपनी जगह से, मैंने 70 दफा ये निकाल के धोया, इसमें इतना पानी भर जाता है, इसके बास्केट है ना अखबार पर रख के करके दे दूंगा, तो क्योंकि पूरे बाथरूम की एक्सेसरी सिल्वर है तो ये सिल्वर हो जाएगा। हाँ। और ये कॉर्नर वाला बहुत सिल्वर भी आता ही होगा, कोई ना नहीं सिल्वर नहीं आता मोस्टली काले में, इवन चेक किया था पेज पे। जी बेटा अंदर नहीं आना, किशोर वाले बेटे लेके बाहर जाओ, नहीं इस पे पैर साफ नहीं करते, इस पे नहा के आते हैं तो पैर गीले रखते हैं, ये पैर साफ करने वाला नहीं है, वो दूसरा है पैर साफ करने वाला, बिछाती हूँ छत पे पड़े हैं। वाइट हो गया। हाँ वाओ ठीक है, अभी फिक्स कर दे। ये देखो यूं कितना अच्छा लग रहा है, परफेक्ट लग रहा है ये वाला। अगर यहाँ पे और यहाँ पे एक स्टिकर होता तो ये वजन बर्दाश्त कर, एक और मंगवा लेंगे ना, वजन बर्दाश्त कर लेता, ये कह रहा हूँ अब नहीं करेगा वजन बर्दाश्त। ये देखो इस पे जब चीजें रखेंगे ना यूं करके ऐसे ऐसे, मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पे और यहाँ पे, चलो उनको बोलूंगी एक एक्स्ट्रा भेज दे मुझे। गुस्सा वाला टांगने लगे, मैंने कहा इसके नीचे टांग के ज्यादा अच्छा लगेगा, लाओ ये ले, इसका स्टिकर कौन है, ये रहा इसके अंदर ही पड़ा, बस अल्लाह करे भी चिपका रहे, चिपका रहे इंशाल्लाह। कहाँ लगाना, अब पहले से चिपकाना, पहले का छोड़े यहाँ पे, इसको सिर पक गया है जी, हाँ जब आएगी लगेगी ना, ये लो इसको चिपका दो अच्छे से। ये अलमारी हमारी सेट हो गई है, इस वॉशरूम की सारी चीज हो गई है ऑलमोस्ट, की अलमारी भी लग गई है, टिश्यू वाला बॉक्स भी लग गया है, साबुनदानी वाला तो लगा हुआ था ऑलरेडी, बस अब कोरियन बेसन लगना है इसका, वो ऊपर वाला वॉशरूम रेडी हो जाएगा तो कल इंशाल्लाह वो भी लग जाएगा। अब हम यहाँ पे शीशा नहीं लगवा रहे, पहले हमने सोचा था यहाँ शीशा लगवाएंगे शॉवर एरिया को अलहदा करने के लिए, मैंने कहा कहा वॉशरूम इतना बड़ा नहीं है, दो दो शीशे मत लगवाएं इसको, एज इट इज रहने दें बस, तो इसलिए बस यहाँ पे लगवाया है हमने, जिसका ये डोर लगवाया है इसे बस, तो ये हो गया परफेक्ट हमारा, बस इसका बेसन लग गया तो इसका काम खत्म। अभी जो है मैं क्या करूंगी, इसका ना एक और मंगवाया हुआ है कपड़े टांगने वाला, ये भी दो लगा लेते, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा वो कहाँ लगाया वो वाला, तो मैंने और सामान भी रखना है, अभी नहीं रख रही, मैंने कहा बाद में रखती हूँ, और भी काम कर लो, अभी और भी चीजें जो सेट करने वाली है। तो चावल वाला कंटेनर है, ये 2-in-1 कंटेनर, नीचे चावल डाल सकते हो आप, ऊपर वाला जो एरिया है ना उसमें कुछ और रख सकते हो, ये देखें ये नीचे से कवर लगा हुआ है, और यहाँ पे डब्बी है इसके साथ, तो अभी इसमें चावल डालने लगे हम, ये सुपर बासमती राइस,
बस खोल के डाल दें, आ जाए उसके बाद में देखते हैं। यहाँ से नजर भी आता है वो कितना लीटर चावल डल गए, काफी क्यूट सा बना होगा डस्टबिन में। मैंने कहा है डस्टबिन जैसा बट है राइस वाला बॉक्स, शक्ल इसकी ऐसी है, क्यूट है काफी और अच्छा खासा राइस आ जाता है इसके अंदर। कितने लीटर? 9। ये कितने वाला पैकेट है जो आप पलटा रहे हो? ढाई के जी वाला है ये, इसके अंदर चले जाएंगे तो ये यहाँ से निकलेंगे। हाँ ना ऐसे आप जायफल जावेत्री लौंग शौंग इसी चीजें डाल के भी रख सकते हो जिससे चावलों में ना कीड़े नहीं पड़ते। ये थोड़ा सा डाल दिया हमने इसके अंदर ही, और इसमें जाली जाली सी बनी हुई है ये, इसकी खुशबू बहुत प्यारी। चावल उबारते हुए भी डालते हैं ये देखें, मुझे तो बादियाने खता ही है। हाँ तो ये भी डाल सकते हैं ये देखें, लौंग ये पड़ा हुआ इसमें ना, इसमें वो जावेत्री जायफल सब कुछ है, फ्लावर्स भी हैं इसके अंदर ये देखें इसे, और ऊपर वाले पोर्शन में आप अपने नूडल्स स्पेगेटी नहीं होते लौंग वाले वो भी रख सकते हो। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है 9 लीटर, तो क्यूट सा है काफ़ी ज़्यादा ये देखें। अब इसको रख देती हूँ उठा के, मेरा हो गया। अभी इसके अलावा एक ये टिफ़िन बॉक्स है, पकास खोल के दिखाएंगे। ये लंच बॉक्स इस तरह के पैकिंग में 2 लेयर स्टेनलेस स्टील में बना हुआ है ये, और इसमें खाना भी जो है वो गर्म रहता है। मैं दिखाती हूँ आपको जिस तरह से हमारे हॉट पॉट नहीं होते कि उस टाइप का बना हुआ है, देखा ना नज़र आ रहा है ये स्टील में लगा हुआ है ये चीज़। ये बच्चों को स्कूल में एक में रोटी एक में सालन या कोई चीज़ दो चीज़ वाला हो तो रख के भेज सकते हो, स्पेस भी नहीं घेरता और बहुत प्यारा, कलर भी बहुत डिफरेंट सा है। आप पसंद आया? क्यूट सा है ना। उसके बाद ये है गिलास स्टैंड ब्रेक मंगवाया था, देखें आगे इसमें रबड़ लगी हुई है जिससे ना, और ये स्टेनलेस स्टील में बना हुआ है ये भी। फिर ये वाला है जिसमें चादर लटकाते हैं आप, कंबल वगैरह कोई चीज़ बड़ी टांग नहीं, इसको तार के ऊपर टांग दो या कोई भी टांगने वाली जगह उस पर टांग के आप इसमें अपनी चादरें वगैरह लटका सकते हो। उसके बाद एक ये कैलकुलेटर के लिए जो खाना वगैरह बनाते हैं ना, तो आप मेयर कर सकते हो कि इसका स्पेशली बेकिंग में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अक्षा किचन यूज़ करती है वैसे ये वाला, जब वो बेकिंग करती है केक बनाती है इतने ग्राम आपने पाउडर डालना है, मैदा डालना है, कोको पाउडर डालना है, तो ये उसमें बड़ा यूज़फुल है। देखे ना इस पर लिखा भी हुआ है कि आप ऐसे स्पेशली जो लोग डाइटिंग कर रहे हैं वो लोग भी पोर्शन नाप नाप के खा सकते हैं। और उसके बाद ये है पाकिस्तानी है, इस पर लिखा भी हुआ है मेड इन पाकिस्तान, काफ़ी अच्छी क्वालिटी में बना हुआ है ये, आपको खोल के दिखाती हूँ। ये नॉन स्टिक फ्राइंग पैन, देखें सोनेक्स मेड इन पाकिस्तान लिखा हुआ था इसके ऊपर, फ्राइंग पैन बहुत ही प्यारा है, मज़े का। मेरे पास बड़ा फ्राइंग पैन भी नहीं था चिप्स वगैरह बनाने के लिए, है ना कि ये यूज़ हो जाएगा। वाओ मगास ऑन कर दिया, सेल्स साथ आए थे इसके। ये जो है ना मैंने मंगवाया है जो बाथरूम में वाइपर वगैरह नहीं होते, इसको ये चिपका देते हैं यूं करके, और इसके साथ वाइपर वगैरह का डंडा नहीं करके टक जाता है ऐसे, ये उस चीज़ के लिए। मैं साथ साथ वीडियो टेस्ट कर दूंगी, आप लोगों को समझ में आ जाएगा ये किस पर्पस के लिए। 4 ग्राम वैसे ये वाला बिल्कुल ठीक है ना, ये बिल्कुल ठीक है। ये वाला जो पहले मैंने खुद खरीदा था वो खराब था, ये वाला अच्छा है। दूध नाप सकते हैं हम? दूध दूध वाला बेईमानी करता है, नहीं करते। बलाज आपस रखो, ये देखो इसमें ऑप्शन जाता है। हाँ मजे में आई, ये ज्यादा अच्छा है। ये ग्राम है जाए 5 ग्राम 6 छुरी में से लो 6। अच्छा ये जो मैंने अभी चावल वाला बॉक्स दिखाया था ना आपको, ये देखे ऊपर इन्होंने वो रखी हुई है इसके अंदर मैक्रोनी नूडल्स, और नीचे स्पेगेटीज, और नीचे चावल रखे हुए हैं इसके अंदर, और सारी चीज़ें हो गई। अच्छा ये रह गया, सॉरी ये दिखाना ही भूल गई मैं आपको, ये इसमें आप अपने चम्मच वगैरह टांग सकते हो। मैंने यहाँ लगा लिया है केबिन के साथ साथ, जैसे तो मेरे पास ये है कटलरी वाला, ये वगैरह सब टांग के दिखाएंगे। ये देखें ऐसे, तो ऐसे यहाँ पर टांग के इसको बंद कर दो आप ऐसे। मैंने इसको यहाँ पे इसलिए लगाया, ऐसे लोग यहाँ पे लगाते हैं, मुझे यहाँ पे कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती, सिर्फ टिश्यू वाला अच्छा लगता है, तो मैंने ये अंदर लगाया है। हाँ ऐसे छलनी छलनी कोई भी चीज़ जो आप इसमें टांग सकते हो मज़े से, देखा। और चावल वाला बॉक्स भी मैंने यहाँ रख दिया, कितना अच्छा लग रहा है। ये नहीं टंगेगा मोटा है ना, ये जो सारी छलनी वाली चीज़ है ना, इस सारी चीज़ें टंग जाएंगी, चिंता में टंग जाएगा। चले अब मैं इसको बंद करने के लिए, ये मैं छत पे जाके ना आपको टांग के, अभी ये लूज सा कहाँ से बनाया है उसकी वीडियो टेस्ट कर दूंगी साथ, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये सारे गैजेट, ये सारी चीज़ें मैंने IDLNC से ली थी, इनके पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जो मेरे स्टील वाले बाउल हैं जिसमें मैं आटा रखती हूँ, आप लोग पूछते हो कहाँ से सेट लिया, वो भी IDLNC से लिया है, और बहुत सारी चीज़ें आपको उनके पेज से मिल जाएगी। हाँ ये वाइपर के लिए, वाइपर झाड़ू कोई भी चीज़ स्ट्रांग नहीं हो, और ये जो गर्म गर्म बर्तन भी उठाते हैं, जैसे अभी बिरयानी गर्म की है तो ये हाथ में पकड़ के ना, अरे हाँ हैंडल गर्म उठाते हैं तो ये से उठा सकते हो। वेरी गुड, चलो हमारी बिरयानी का गर्म हो गया, खाते हैं।
पता नहीं ग्राम से नाम चावल गरम किए थे मैंने खाने के लिए, परफेक्ट गरम होगा, ढेर सारे बनाए थे मजदूर ग्राम। हमने खाना गरम किया था, मजदूरों को भी खिलाया, मैंने ढेर सारे कल बनाए थे, मजदूर भी खाए खाना, सवाब मिलता है, थोड़ी बहुत नेकी करते रहनी चाहिए। चूल्हा इस तरफ से मैंने साफ कर लिया, ये वॉशेबल की शीट थी वाली, तो वॉश होकर वापस लग जाती है, इस तरफ से साफ होना रहता है। प्लीज अगर आप मुझसे प्यार करते हो आंधा दूध मत उबालना चूल्हे पे, प्लीज मैं तुम्हें बुलाऊंगा तो खुद दूध उबालना, ऐसा मत क्या करो, आपकी सारी बातें सुनते हो, ट्राई करूंगा मैं, ट्राई करूंगा। गुड, चलो अब खाना खाते हैं हम लोग। ये देखें, ये स्कूल बस है, बच्चों के टॉयज वगैरह रखने के लिए, बहुत ही क्यूट सी बस है ये, इसमें टॉयज रख सकते हैं आप अपने। ये देखें यहाँ पे बच्चों ने खिलौने डाले हैं अपने, आईज वगैरह बनी हुई हैं, फ्रंट पे से लाइट लगी हुई है, इसका साइज देख ले, ओवन से बड़ा साइज है इसका, व्हील बने हुए जी। केक किसने काटा? पापा ने काटा है केक, आपकी हैप्पी बर्थडे कर रहे हैं, मजदूरों को देने लगे हैं बेटा। देखें यहाँ पे कितने क्यूट सा बना हुआ, इसमें ना काफी सारे स्टोरेज आपकी आ सकती है, देखें बच्चों के टॉयज ढेर सारे आ सकते हैं इसके अंदर। कितनी क्यूट सी स्कूल बस है, इसमें आप खिलौने रख सकते हैं बच्चों के। मेरी एक ना वो जो भांजा जिस शादी में गई थी दिल, उसकी बेगम का, उसने अपने बेटे के कपड़े रखे होते हैं इसके अंदर, बहुत ही क्यूट सी है, ये भी आपको आइडिया लेंसेज से मिल जाएगी, और कलर्स भी है, और बच्चे बड़े इंतजार में खड़े हैं कि मामा हमें दे तो हम इसको बैठ के चलाएं, है ना, चलानी है ना आप लोगों ने, चलानी है आपने, चला रहे थे आप इसको, इसके व्हील भी हैं और व्हील भी है और लाइट्स भी है इसकी, ये भी व्हील है, और ग्लासेस किधर है, शीशा कहाँ है इसका, बिल्ली शीशा सारा कुछ बना हुआ, बहुत ही क्यूट सी बनी है, आप लोग ये भी बाय कर सकते हो। एजेंसी से टांगना नहीं चाह रही थी, बट अरमिश ने खोल दिया है तो मैंने कहा चलो टांग के दिखा देती हूँ। देखें ऐसे इसका ये दीवार पर चिपक जाता है, और इसके अंदर आपका वाइपर, झाड़ू, कोई भी चीज़ है, पता नहीं इसका ना आईफोन का रिजल्ट ऐसा क्यों है, देखना हाथ कितने काले आ रहे हैं, ये देखो क्यों आ रहे हैं, ये देखें है, लेकिन ना इसकी लाइट की सेटिंग नहीं समझ में आ रही मुझे अभी, इसका ना ऐसा कि अंधेरे में जाकर ना आपको इसकी सेटिंग चेंज करनी पड़ती है ना, व्हाइट दीवार ग्रे ग्रे लगना शुरू हो गई। खैर चले देखने में व्हाइट लग रहा, ये देखें अब मैं इसको ना दूसरा कैमरा ऑन किया मैंने, तो ये ऐसे हमारा वाइपर टंग गया है यहाँ पे, फर्श पे पड़ा नहीं रहेगा, यहाँ वहाँ गिरता नहीं रहेगा, आपको टेंशन नहीं होगी, तो बेस्ट है, तो जरूर लेना आप लोग। खा रहे हैं खाना, ये देखें अब पता नहीं कौन सा कैमरा ज्यादा अच्छा है इसका, ये वाला बना लेते हैं। रात को मैंने वीडियो क्लिप रिकॉर्ड करना ही मैं भूल गई थी, क्योंकि भूख इतनी शदीद लगी थी, मैंने 11 बज गए थे, मुझे काम करते करते 11 बजे जो है मैंने जाके खाना वाना खा के मैं फ्री हुई हूँ, यानी कि 10:45 जो है मैंने खाना खाना स्टार्ट किया, उसके बाद मैंने स्टोरीज की, उसके बाद मैं थक के सो गई थी, तभी बस दोबारा खाना खाने लगी। अब रात के जैसी शक्ल तो नहीं रही है इसकी, बस ये लास्ट खाना है जो बचा हुआ है, हालांकि मैंने कितने सारे चावल बनाए थे, मैंने बड़े लेक्चर में बनाए थे मैंने, पर मैंने मजदूरों को भी खिलाया, दो प्लेट उनके लिए बची थी, मैंने उनसे कहा आप खाना नहीं लाइएगा घर से, दे देती हूँ आपको खाना, रात को खाया था हमने। ये मेरा आज का व्लॉग था, आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और जितने भी चीज़ें गैजेट्स दिखाए वो सब के सब आपको आइडिया लेंसेज से मिल जाएंगे, मैं सारी चीज़ों के अलग अलग लिंक लगा दूंगी आप लोगों के आसानी के लिए, आप लोग जाके वहाँ से बाय कर सकते हो, ठीक है। बाकी जो स्किन इतनी प्यारी लग रही हो, ग्लो कर रही, वो मैंने कल एक कॉफी वाली रेमेडी यूज़ की थी उससे कर रही, वो मैंने मेन चैनल पर लगाई है वीडियो, आप लोग वो भी दे सकते हो, ठीक है। आइडिया लेंसेज का इंस्टाग्राम पेज भी है, वहाँ पर वैसे बहुत मरमर के रिप्लाई करते हैं, एक महीने सामान ऑर्डर किया हुआ था, अब जाके मुझे सामान मिला है। एक्चुअली जो इनके ऑनर थे ना मुमरे पे गए हुए थे, और जो बाथरूम का टिश्यू वाला होल्डर है ना, वो वकास मेरा सर खा गए थे कि तुमने नहीं मंगवाना, तुमने नहीं मंगवाना, मुझे बताओ मैं बाजार से ले आता, तो मैंने कहा बाजार से क्यूट सा नहीं मिलेगा, मुझे वही वाला चाहिए जिसके ऊपर मोबाइल भी रख सकते हैं, और टिश्यू ना बच्चे पता है आपको शावर लेके खड़े होते हैं हर वक्त, तो शावर से ना गीला नहीं हो वो, तो यही वाला चाहिए था, तो मुझे आया है मेरा, तो थैंक गॉड के वो आ गया, लग गया अल्हम्दुलिल्लाह, बाथरूम काफी अच्छा लग रहा है, आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। सारी चीजों के ना अलग अलग लिंक लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग वहां से जाकर बाय कर लेना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसे लगी। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल, अल्लाह हाफिज़।